नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृतसर के हाल बाजार में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। आज अमृतसर में खाई वाले गली के निवासियों ने बिजली बोर्ड के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज अमृतसर में हुई बारिश ने बदला गुरु नगरी के मौसम का मिजाज। कल रात अमृतसर में एक अज्ञात व्यक्ति से 5 लुटेरे 35,000 रुपए लूटकर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी अनुसूचित जाति के ग्रेजुएटों के लिए पंजाबी स्टेनोग्राफी की मुफ्त ट्रेनिंग देने के लिए जिला भलाई अफसर अमृतसर में 25 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो बिनेकर इस संस्था से पंजाबी स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वह जिला भलाई दफ्तर में आकर अपना दाखिला करवा सकते हैं। उन्हें संस्था की ओर से 750 रुपये महीना छात्रवृत्ति भी दिया जाएगी। अनुसूचित जातियां दे ग्रेजुएट लई पंजाबी स्टेनोग्राफी दी मुफ्त सिखलाई देन लई दफ्तर जिला भलाई अफसर अमृतसर विखे 25 सिखियार्थियों लई मुफ्त स्टेनोग्राफी दी ट्रेनिंग दिती जा रही है। बिनेकार अपनी दरखास्त 26/7/2014 तक इस दफ्तर विखे पहुँचा सकते हैं। इंटरव्यू मिति 3/7/2014 सवेरे 10 बजे इस दफ्तर विखे होगी। 2014 इस दफ्तर विखे 10 बजे होगी। सिखियार्थियों 750 रुपया पर महीना वजीफा भी दिता जाएगा। भलाई मंत्री जिला भलाई मंत्री सरदार गुलजार सिंह रनीके साहब जी साहब वालों जिला भलाई दफ्तर विखे हर साल ग्रैजुएट युवक ग्रैजुएट अनुसूचित जातियों के युवकों वास्ते स्टेनोग्राफी की स्कीम चलाई गई है, जिस विच 25 सिखियार्थियों ट्रेनिंग दी जानी है। ट्रेनिंग लिए अर्जियों की लास्ट तरीक जी 26/7/2014 तो इंटरव्यू उन्होंने पंजाब सरकार के वख वख विभागों में सरकारी नौकरियों वास्ते भी तरजीह दी जाती है, जिवें कि पंजाब सरकार वालों कलैरिकल पोस्टा कढ़िया जांदियां समय समय सिर दौरान। ये बच्चे अपना कलैरिकल कोर्स करके इतों जाते, नाल इन्हां नूं सर्टिफिकेट दिता जाता, तो जो ये सर्टिफिकेट लैके इतों जाते अपना टैसट क्लीयर करते पंजाबी स्टेनोग्राफी का, पंजाबी टाइप का, कंप्यूटर की भी सिखलाई दी जाती, तो इन बच्चों वख वख विभागों में क्लर्कां दी नौकरी जिहड़ी है वो प्राप्त की जा सकती है। हरियाणा की अलग कमेटी का बिल पास करने के बाद श्री अकाल तख्त साहब पर हुई 5 सिंह साहिबानों की बैठक में आज अलग अलग संगठनों की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जगदीश सिंह झींडा, दीदार सिंह नलवी और हरमहिंदर सिंह चिट्ठा को पंच से निष्कासित कर दिया गया और श्री अकाल तख्त साहब की ओर से जारी हुक्म के मुताबिक उक्त तीनों ने श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म का उल्लंघन किया और SGPC को तोड़ने की कार्रवाइयां की, पंथ को कमजोर और तोड़ने की कोशिश की गई। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने जी आदेश श्री अकाल तख्त साहब की फसील से पढ़कर सुनाया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज 2 वख-वख मंग पत्र राही सिंह सभा अकाल तख्त साहब और बाकी सिंह सभा अपील की गई है कि सिख दुश्मन कांग्रेस जमात ने जो पिछले दिन कुछ पंथ दोखी सिखा दे इशारे से सिखा की सरमौर जथेबंदी जी स्थापना श्री अकाल तख्त साहब से बैठ के हुई सी वंडिया पा के सिखा के धर्म को वंडन की कोझी कोशिश करके मैं समझना कि अकाल तख्त साहब नहीं जिते समुचे सिख पंथ को चुनौती दिती है उत्थे अकाल तख्त साहब भी चुनौती दिती है। सो इन हालातों में असी सिंह साहब अपील की है, जनरल मैंबर्स ने भी एग्जैक्टिव कमेटी ने भी कि उन्होंने पंथ दुखियों पंथ दुष्टों
जिहड़ा सिख पंथ चो फौरी तौर ते खारिज किया जाए क्योंकि वह सिख अखवाउण दे लायक ही नहीं। जिहड़े सिखां दी कातल जमात कांग्रेस साहब हरमिंदर सिंह जट्ठा और जिन्हें झूठे बयान दिते है कभी 1,15,000 अल्फिया बयान ते कभी 2,25,00,000 अल्फिया बयान। एक तो हरमिंदर सिंह जट्ठा मुख दोषी है, उस तो बाद झिंडा है ते नलवी है, ये तिने मुख दोषी ने। इन्हां तिना के खिलाफ जिहड़ी है उन्होंने 500 छेकण की कार्रवाई की असीं मंग की है, अपील की है, फैसला सिंह सभा ने करना। सिख सम्मेलन के विच कोई बंदा नहीं सी, या सरकारी पुलिस कर्मचारी सी रुमाल बना के, या सरकार के कट्ठे किए हुए कांग्रसी दे एजेंट सीगे, कोई सिख का कोई सिख उत्ते नहीं सी हैगा। सिख सिख कतई तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वंड नूं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। श्रोमणी कमेटी सिखा की पार्लीमेंट है, सिखा की आवाज है, सिखा की शक्ति है, और एक शक्ति एक केंद्रीय धुरा जिहड़ा श्री अमृतसर सिखा की धार्मिक राजधानी है, और इधर वाल सारी दुनिया के लोग जो कोई औख आउंदी वेखदे आ उन्होंने कितने होर नहीं जाना ना वेखना। पर प्रधान साहब आने वाले दिनों में जे इस तरह सपोर्ट जारी रहती है कि इस तरह का संदेश भी बाकी उत्थे हरियाणा के सिखां नूं देने की जरूरत हैगी है, मैं जिहड़ी पंथक कार्रवाई उन्होंने अगेंस्ट हो सकदी। मेरी गल सुन लो, ओ सिंह साहब कहणगे पर तुसीं देख लिया सिखां दे विच किन्ना जोश रोह गुस्सा और उत्साह है। ये आने वाले समय की चेतावनी है कांग्रेस नूं कि वह खालसा पंथ इस चुनौती स्वीकार करता और तुसी असी तुहाडी चुनौती स्वीकार करके तुहाडा जवाब उसे भाषा ही देंगे जिहड़े तुसी चाहुंदे। आज अमृतसर के खाई वाली गली नजदीक लाहौरी गेट के मोहल्ला निवासियों ने बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हमारी गली में जो बिजली की तारें लगी हैं वह बहुत ही नीचे से होकर गुजरती हैं, कई तारे तो हमारे घरों से ऊपर से होकर गुजरती हैं जिनके जोड़ खोले हुए हैं, अगर बिजली बोर्ड ने इसकी ओर कोई ध्यान न दिया तो कोई बड़ा हादसा तक हो सकता है। बिमला मटू मसिया लोगों के घर च मीटर तारा लाइया दया, बादल सरकार ने नंगिया तारा छड़िया, लोगों के बच्चे मन खप गए, बादल सरकार के एक कल बनाई गई है जो कि लोगों के घर बत्तियां लाइया बूह बत्तियां लाइया वा, एक खतरा वा इनू कले कले घर मीटर लगा चुके जाए इतो अग लगन का खरा बच्चे बिलकुल डिगन दारा है देखो रक्षे वाले नंगे को चंबर दे जिम्मेवार कौन है, ये बादल सरकार ही जिम्मेवार होगी ना ना बलविंदर। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੋੜ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਰਜ ਵਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। अमृतसर के हाल बाजार में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, जो केमिकल की फैक्ट्री थी और लाखों का केमिकल बिल्डिंग के अंदर पड़ा था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद अंदर लगे काम करने वाले लोग फंस गए और आम लोगों की मदद से उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि आग भयानक थी और आग लगने के बाद ही ये आसपास की बिल्डिंग में फैलनी शुरू हो गई, लेकिन आग की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जो कि अपना बहुत ही खतरनाक अग सी, मौके से लागे फायर ब्रिगेड सी, इसलिए इमीजिएट आ गया फायर ब्रिगेड, तो ये अंदर 4 लोग उधर फसे सी दूसरी बिल्डिंग, एक लेडी सी, एक बंदा, 2 बच्चे, एक बंदा इस बिल्डिंग फसया ही जिहड़ा कि 3 मंजिल सी, एको ही बंदा ही उनका बहुत मुश्किल दे नाल क्रिटिकल कंडीशन दे विचों कढ़िया गया है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन ही क्योंकि कोई रस्ता नहीं बिल्डिंग का और सारे रस्तों से अग लगी हुई ही, धुएं के बच्चों फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियाँ ला के दी जान बचाई है, वह बंदा बिल्कुल इस वे ठीक ठाक है, उन्होंने कोई सट पेट नहीं लगी। कैमिकल का जो गोडाउन सी उसदे विच अग लग गई, जो सानू सूचना प्राप्त हुई इमीडिएट साडियां गड्डियां जिहड़ियां बिना टाइम लूज कीतियां मौके पर आ गई, मौके पर आंदियां ही जिहड़ियां लोग बिल्डिंगां च फसे हुए सी जिन्हां च 4 वड्डे सी ते 2 बच्चे, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स वड्डे सीगे ते 2 छोटियां बच्चियां सी, सब तो पहला उन्होंने कढ़िया गया क्योंकि उन्होंने धुएं च रस्ता नज़र नहीं सी आ रहा,
उस उपरंत अग दे काबू पाया गया ते हुण इस वेले पूरी तरह जिहड़ा कंट्रोल च आ। सर मैं तो टीवी देख रहा सीगा ते जिसका जिहड़ा धुएं दा देखिया कि धुआं कित्थों आंदा पिया, मैं सोचा कोई शॉर्ट सर्कट होया, पर मैं कहा हुंदा तां टीवी एसी सब बंद होने चाहिए सके, पर कुछ भी ऑफ नहीं होया। एंड नूं इक दो ब्लास्ट होए, इन्हां ने पानी पूनी पाया पर नहीं होया, धुआं बहुत ज़्यादा नक नूं चढ़दा सीगा ते मैं उपर आ के सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दिते है और 20-25 मिनट्स मैं अपनी विंडो ते खड़ा रहा, पर अग वधदी 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 जदों तक पिट नूं तक सेक आ गया बिल्कुल लास्ट मूवमेंट तक मेरी बिल्डिंग दी, उत्थों तक फिर जदों इन्हां ने फायर ब्रिगेड वालिआं ने अपने लगा के लैडर ते उतारिआ। पूरी बिल्डिंग है मेरी, इन्हां दा कैमिकल दा स्टोरेज है, छोटी जी मैनी है रूम जा, हाँ जी नहीं फ्लैक्सी से पिछे बनती है ना, सिर्फ कैमिकल दा काम है मेरे घर तक आई है, घर के अंदर तक ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग मेरी मेरे वेखदे वेखदे सुबह हो गई है। अग दा मेन कारण तो शॉर्ट सर्कट दसिया जाता है जी, बाकी अज दे इस हादसे दे साडे कारपोरेशन दे पुलिस मुलाजमान का जिहड़ा सहयोग है वो मार्केबल है, क्योंकि इन्होंने हर तरह नाल जो भी दस्ते इन्हों का सहयोग बन सकता सी वो इन्होंने किया है, कारण शॉर्ट सर्कट ये अग दे जे क्लीयर कारण का पता नहीं लग सकिया, उदा लगता वा भी जिदा शॉर्ट सर्कट हो गया अग लगी, होर को कारण नहीं लगता अग लगन का, तो ये जी फायर ब्रिगेड आ बड़ी टाइम ना मौके पर पहुँच गई, उस वे उन्होंने अग पर कंट्रोल कर लिया, तो जानी नुकसान कोई नहीं होया, तो माली नुकसान तो होया ही होया, ये फिर भी ये कारण का पूरा पता किया जाएगा भी अग लगन का कारण की। नहीं अजे कोई एसटीमेट नहीं है, अजे अग बुझा रहे हैं, पूरी तरह बुझाई नहीं गई, जो बुझाई जाएगी फिर पता लगेगा कि माली नुकसान होगा। आज अमृतसर में जगबानी के पत्रकार रमन कुमार के खिलाफ मकबूलपुरा के LIC क्वार्टर के निवासियों ने जमकर नारेबाजी की। वहां मौजूद लोगों ने पत्रकार पर दोष लगाया कि उसने अपनी जगबानी अखबार में हमारे 200 घरों के खिलाफ नजायज बत्ती जलाने की झूठी खबर लगाई है। इस दौरान उन्होंने अखबार जलाकर रोष प्रदर्शन किया और रमन कुमार के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग की। बिजली बोर्ड, रमन कुमार जगबानी, रमन कुमार सुनील कुमार है जी, 61 ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट का रहने वाला, कुछ नहीं गा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों सू फ्लैट दिए गए हैं जिन्हें रिटर्न तौर पर बिजली पानी देने की एक हदायत की गई है कि सानू दिता जाएगा, वो बावजूद इतने बिजली पानी का प्रबंध कोई नहीं, हूँ आके सू आरजी तौर पर ट्रस्ट वालों बिजली का मीटर है उन्हों का ट्यूबवैल का वो कनैक्शन दिता गया जी, वो कनैक्शन देकर सू मतलब बिजली की हाल की घड़ी सप्लाई दी गई है, वो भी एक साढ़े इतने रमन कुमार जी है प्रेस रिपोर्टर है रमन कुमार, उन्हें पता नहीं किस संजिश के कारण एक खबर लगा के जगबाणी अखबार के साडा बिजली का कनैक्शन कटवा दिता गया जी, जबकि यह नजायज़ तौर पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जायज़ चल रही है, बिजली का टोटल बिल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पे कर रहा है जिंदा कि स्लिपा उन्होंने मौजूद ने, परसों रात तो ही इतने पानी तो बिजली के दुखों तुम देख लो कि बच्चे छोटे छोटे या लेडीज या बिल्कुल पानी नहीं किसी के घर है, बत्ती नहीं हैगी, बत्ती तो बगैर तीसरा दिन हो गया अज भी। पत्रकार पता नहीं उन्होंने मन च की आई है जी, एक जायज़ तौर पर चलती हुई जायज़ तौर पर बिल्कुल जी मीटर के बिचों बिजली चलती है, बिल्कुल जिदा बिल पे होया कोई पेंडिंग भी नहीं है, सारा पता की आया, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई मान लो रंजिश लैके किस तरह लैके उन्होंने एक खबर बना के लगा दी है कि 200 फ्लैट नजायज़ तौर पर बत्ती बालता पाया, जबकि 117 फ्लैट इतने जनवन है रहे जो सच्चाई है, 200 फ्लैट नहीं 117 फ्लैट है, बत्ती आरजी तौर पर टाइम पास करवा रहा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जिदा वो बिल पे कर लग गया, उन्होंने सिर्फ एक झूठी खबर ला लो कि खबर बनाने वास्ते सिर्फ अपनी खबर देने वास्ते झूठे तौर पर खबर लवाई है, जिदे करके साडा बिजली का कनैक्शन कट दिता गया बिजली बोर्ड वालों, असं चाहते हैं कि उस पत्रकार तो घट्टो घट्ट कार्रवाई तो करवाई जाए, पूछा जाए उन्होंने कि किस बेस पर उन्हें खबर लगवाई है, जबकि प्रॉपर बिजली के मीटर का टोटल बिल पे होया, कोई नजायज़ तौर पर नहीं सी करते पे जी कह लो, या अपना एक मतलब मुद्दा बनाने वास्ते उन्हें इन्ने लोगों को परेशान किया, 117 घर। असं तो हम एक्सीएम साहब करनी चाहेंगे कि प्लीज़ तुम खुद अपने मीटर के बिल चैक कर लो, जे कोई तुम नहीं लगती साडा कनैक्शन चालू करवाया जाए जल्दी। कहना चाहते हैं कि जो रमन कुमार ने खबर लगाई है वो बिल्कुल गलत लगाई है, साडा बत्ती तो पानी आ वो मतलब बने कल के छोटे छोटे बच्चे जो है ये बत्ती और बिजली तो बिजली और पानी तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं,
झूठी खबर लगा के उन्होंने जद के ट्रस्ट गवर्नमेंट जो बिल वह दे रहा बिजली पावर कम लेकिन फिर भी इन्होंने झूठी खबर लगा के ये बहुत गलत काम किया इन जल्दी तो जल्दी ठीक करा जाए सू बिजली और पानी दिखा जाए। मेरा नाम सीमा है। अमृतसर की वार्ड नंबर 57 मेयर बख्शी राम अरोड़ा और भाजपा अध्यक्ष तारण चुग ने पीने वाले पानी के ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस मौके मोहल्ला निवासियों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके कौंसलर सरबजीत सिंह लाडी और अन्य लोग वहां मौजूद थे। वार्ड नंबर 57 दे विच अज ट्यूबवैल लगन जा रहा है। काफ़ी देर तो इलाका निवासियों की मंग सी क्योंकि इस इलाके दे विच काफ़ी देर तो गंदा पानी आ रहा सी जिदे कारण काफ़ी लोग इत्थे बीमार भी होए पीलिए दे शिकार भी होए और असी एक बड़ा वड्डा प्रोटेस्ट कीता सी झबाल रोड दे उत्ते। असी सरकार नूं अल्टीनेट दिता सी एक महीने का जे तुसीं इहदे विच ट्यूबवैल नहीं लगाया तो असी कारपोरेशन का भी घराब करांगे। सो इस करके 24.5 लाख का जिहड़ा बजट सी वो पास हो गया और वड्डा एक ट्यूबवैल लगन जा रहा जिहदे विच गुरबख्श नगर हरिपुरा मेहरपुरा ढपई रोड तक भी यह पानी जाऊगा डैमगंज का एरिया भी कवर होगा और इलाका निवासी नूं बड़ी वड्डी निजात है। इत्थे ट्यूबवैल पहलों पार्क सी अपना एकता पार्क सी लगा हुआ वो सारे ट्यूबवैल खराब पे हुए सी और जिहड़ा चलता सी एक छोटा ट्यूबवैल उहदियां जिहड़ियां पाइपां सी वो खराब सी उहदा विच गंदा पानी आ रहा सी वो ठीक काम नहीं सी कर रहा। हुण अरोमा पार्क दे विच ट्यूबवैल लगन जा रहा है और सारे इलाके नूं एजी सहूलत मिलेगी। 57 नंबर वार्ड दे वाइस प्रधान आ इत्थे सानूं पानी दी बहुत दिक्कत सी ते इस पिछे जिहड़ा मुजाहरा कीता सी उहदे उत्ते बड़ा ही जोर लाया सी लाटी ने उन्होंने बड़े जोर दा पब्लिक ने नाका धरना मार के ते गबंबी बारे पूरी कोशिश कीती सी साडी उह धरना मारिया कामयाब हो गया। इह जिहड़ा पानी नवांकोट डैमगंज हरिपुर नूं पख देगा ते साडे इलाके मेहरपुरे च बहुत ही दिक्कत सी पानी दी इस करके पानी जे गुरु महाराज दी कृपा नाल कर दित्ती है ते पानी साफ सुथरा इहदे च बीमार ना होवे ते ना हस्पताल दी लोड़ पवेगी। पानी साफ सुथरा होना चाहीदा। लाटी दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्ने साडे हत्थां दा बच्चा ने कामयाबी पूरी कर दी इन्हें प्रभाव चो कोई शिकायत नहीं हर एक की मानसिक कार करते कोई भी जाए किसी लोग ने कहे लाटी पानी की बड़ी दिक्कत है बुरसों का पानी है नहीं ये बेचारे उस वेल उठ के टैंकर वाले ने फोन किया टैंकर दो आ गए पानी दिता उस दिन तो पानी इतों ही पता नहीं मालिक की कृपा हो गई तो पानी बंबी च गया तो पानी मिलता कर पिया सारियां नूं ते जिहड़ी बंबी कृपा करती ये सारियां दे भला ही। लाटी काउंसलर लाटी कल रात अमृतसर की हुसैनपुरा चौक से 5 लुटेरे एक अज्ञात व्यक्ति से 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जाता है कि वह व्यक्ति पेंट की दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में 5 लुटेरों ने उसे रोककर पहले मारपीट की फिर उससे 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अपनी शॉप तो वापस आ रहा घर में रस्ते पिछली कोई गड्डी आई उन्होंने आकर मैं ओवरटेक किया खिलार नहीं मेरी गड्डी तो मैं बाहर कट के फिर कुटना कुटना शुरू करता गड्डी चाबी खोली बाद कुछ देर बाद उत्तों आए फ्लाईओवर तो उत्तों चाबी थले तो सुटती तो नाल उतो गारा गुला कट के भज के नाल सट्टा सुट्टा लाए वाह वही सट्टा लाइया ब्लड ब्लूडा निकलिया सारे और गड्डी के ब्लड काफ़ी निकल गया 5-6 जने हैं तो किन्ने पैसे 25-30,000 पैसे
ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 3035-46-47 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰਗੜਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਅਤੇ ਸਰ ਕੀ आज अमृतसर में बाद दोपहर हुई बारिश ने गुरु नगरी के मौसम का मिजाज ही बदल दिया। सावन महीने की इस पहली बारिश से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। सावन महीने में हुई इस झमाझम बारिश ने इतने दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को निजात दिलाई है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਨਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ महाराजा रणजीत सिंह पनोरमा हॉल में अमृतसर मेयर बख्शीराम अरोड़ा और नगर निगम कमिश्नर श्री प्रदीप सबरवाल ने अलग अलग वार्ड के काउंसलरों के साथ मीटिंग कर उनकी वार्ड में आने वाली मुश्किलों को सुना और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिलाया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह जमीन खिसकने से तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से चारधाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद केदारनाथ यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा बारिश के कारण कई जगह यातायात में बाधाएं पैदा हो गई हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाली 21 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा भी रुक गई है। 1 घंटा सुरंग में फंसी रही श्री शक्ति एक्सप्रेस 2 दिन पहले शुरू हुई श्री शक्ति एक्सप्रेस बुधवार को 1 घंटे तक सुरंग में फंसी रही। ऐसा इंजन की तकनीकी खराबी के कारण हुआ। इंजन में सुधार होने पर दूसरा इंजन बुलाया गया तब ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। ये ट्रेन 14 जुलाई को चलनी शुरू हुई थी। बुधवार को ट्रेन जब कटरा से 5 किलोमीटर दूर थी तभी सुरंग के बीच अचानक रुक गई। 3 किलोमीटर लंबी यह सुरंग में उस समय घुप अंधेरा था। यात्री काफी देर तक परेशान होते रहे। बारिश के कारण ट्रैक में फिसलन थी। अगर आप कर्ज लेंगे तो उसे चुकाना भी पड़ेगा लेकिन इस दुनिया और इस देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं जो उसे चुकाने के समय चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी लंबी सूची है और उनमें सबसे ऊपर नाम है विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का। जी एयरलाइंस पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बंद पड़ी है। इस पर बैंकों का इतना कर्ज चढ़ चुका है कि विजय माल्या ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। किंगफिशर पर कुल 4,022 करोड़ रुपए का बैंक का कर्ज है। इनमें सबसे ज्यादा बैंक सरकारी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
अमृतसर के हाल बाजार में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। आज अमृतसर में खाई वाले गली के निवासियों ने बिजली बोर्ड के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज अमृतसर में हुई बारिश ने बदला गुरु नगरी के मौसम का मिजाज। कल रात अमृतसर में एक अज्ञात व्यक्ति से 5 लुटेरे 35,000 रुपए लूटकर हुई फरार। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजातरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।